वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटफॉर्मिन टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, मेटफॉर्मिन टेबलेट ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए काम में लाई जाने वाली दवा है। ये सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में काम में ली जाने वाली सबसे प्रमुख दवा है। ये हमारे शरीर में लीवर के अंदर शुगर के प्रोडक्शन को रोककर अपना कार्य करती है। दोस्तों, अगर हम इसके प्रमुख ब्रांड नेम की बात करें तो वो है फ्रेंको इंडियन फार्मास्यूटिकल की ग्लाइसीफेज, मर्क फार्मास्यूटिकल की ग्लाइकोफेज XR, सिप्ला लिमिटेड की ओकामेट, ल्यूपिन लिमिटेड की ग्लाइकोनॉर्म, USV लिमिटेड की ग्लाइकोमेट, एबोट की ग्लूफॉर्मिन एक्सेट्रा। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये दवा मार्केट में 500 मिलीग्राम, 750 मिलीग्राम, 850 मिलीग्राम और 1000 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसकी दो फॉर्म आती है, एक तो है सस्टेंड रिलीज फॉर्म जिसे हम SRB कहते हैं और दूसरी है एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म जिसे हम ER या फिर XRB कहते हैं। दोस्तों, इसकी फॉर्म इसकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके प्रमुख उपयोग के बारे में तो इसका सबसे पहला उपयोग है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को ठीक करने में। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के प्रमुख लक्षण हैं मरीज को बार बार पेशाब लगना, वजन का घटना, कमजोरी महसूस होना और बार बार प्यास लगना। अगर ये लक्षण आपको नज़र आए तो तुरंत शुगर लेवल की आपको जांच करवानी चाहिए और अगर ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है तो तुरंत डॉक्टर की एडवाइस पर इस दवा को लिया जाता है। दोस्तों, इस दवा का दूसरा उपयोग है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में। दोस्तों, गायनिक डॉक्टर द्वारा अगर किसी महिला में बार बार बहुत ज़्यादा पीरियड आते हैं या फिर पीरियड्स बिल्कुल ही नहीं आते हैं या अनियमित रहते हैं तथा महिलाओं के शरीर व चेहरे पर बाल का उगना दिखाई दिया जाता है जिसे हम हिर्सुटिज्म भी कहते हैं, ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी दिक्कत आती है तो उसके ट्रीटमेंट में भी गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा इस दवा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है प्री डायबिटिक मरीज के अंदर जो कि मोटापे से ग्रसित रहते हैं या फिर जिन्हें डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है तो उनमें ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा मेटफॉर्मिन टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अचानक से कभी कभी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस दवा के प्रमुख साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक और इसे लगातार खाने पर हाथों पाँव में सूनापन और सिर दर्द की संभावना भी रहती है। इसके अलावा जॉइंट में स्वेलिंग वे अचानक से ब्लड शुगर लेवल का कम होना जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं, ये भी हो सकता है। अगर इसके अलावा इसके कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को कब लें और कैसे लें। इस दवा को खाने के साथ में या फिर खाना खाने से पहले दोनों ही समय में लिया जा सकता है क्योंकि खाने के तुरंत बाद व्यक्ति में खाना खाने के कारण शुगर का लेवल अचानक से बढ़ जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए इसे खाने के साथ या इसे खाने से पहले लेना उचित समझा जाता है। दोस्तों, अगर पेशेंट का शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं हो तो डॉक्टर द्वारा 500 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार प्रेस्क्राइब की जाती है और अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो तो इसे दूसरे साल्ट जैसे कि ग्लिमिप्राइड, पायोग्लिटाजोन, वोग्लीबोस इसके साथ में कंबाइन करके भी दिया जा सकता है या फिर इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 1000 मिलीग्राम तक भी किया जा सकता है। ये सब कुछ डॉक्टर पर निर्भर रहता है।
दोस्तों इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में शुगर का लेवल बढ़ गया है तो डॉक्टर द्वारा इसे दिन में एक बार, एक महीने तक या फिर पूरी प्रेगनेंसी पीरियड तक दिया जा सकता है। इसकी डोज शुगर लेवल ज़्यादा होने पर बढ़ाई भी जा सकती है। दोस्तों अगर हम इसकी मैक्सिमम डोज की बात करें तो कुल मिलाकर इसे दिन में 2550 मिलीग्राम तक दिया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर हम इस दवा को लगातार सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लगती है, जिससे कि हाथों पांवों में झंझनाहट वे सूनापन रहने लगता है। अतः इस दवा को लगातार लेने पर डॉक्टर की सलाह पर विटामिन B12 यानी कि मिथाइल कोबलामिन की टेबलेट अवश्य लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों रेगुलर योगा वे व्यायाम के द्वारा शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को शुरुआती दौर में कंट्रोल में किया जा सकता है। अगर शुगर का लेवल वापस कंट्रोल में हो जाए तो डॉक्टर को चेकअप करवा के उनकी सलाह पर इस दवा को बंद भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी मेटफॉर्मिन टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यहाँ पे माई सजेशन और वॉच नेस्ट दिख रहे हैं तो उन वीडियो को भी आप प्ले कर सकते हैं उन पे क्लिक करके। एक बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।